हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा न्यूमेरिकल मेथड्स का क्वेश्चन जो 5 जनवरी 2020 इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में आया था. सो द क्वेश्चन वाज यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा रेज टू पावर 10 और एक पॉलीनोमियल फंक्शन हमें दे रखा है दैट इज 1 - ax, 1 - bx² 1 - cx³ 1 - dx³ 4. सो बेसिकली ये न्यूमेरिकल मेथड्स टॉपिक का डायरेक्ट क्वेश्चन था एंड मोस्ट ऑफ यू हैव रिमेम्बर्ड इट्स डायरेक्ट रिजल्ट आल्सो. सो हाउ वी बेसिकली डू दिस प्रॉब्लम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी टेकिंग द इंटरवल व्हिच इज h दैट इज इक्वल्स टू 1. नाउ वी नो दैट इफ यू वांट टू कैलकुलेट डेल्टा रेज टू पावर 10 दैट मींस इसके जो कोफिशिएंट्स है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे. तो कोफिशियंट्स अगर आप ध्यान से देखिए तो 1 - ax, 1 - bx² 1 - cx³ एंड 1 - dx³. इसमें a b c d दैट विल बी द कोफिशियंट ऑफ x की पावर 10. सिमिलरली देयर विल बी सम कोफिशियंट्स ऑफ x की पावर 9, x की पावर 8 एंड सो ऑन टिल 1. नाउ a b c d एंड डेल रेज टू पावर 10 विल बी ऑफ x की पावर 10. सिमिलरली del raised to power 10 of x ki power 9 and so on. Now we know that if del raised to power 10 and x ki power 10 agar ye same degree hota hai so that means ye 10 factorial hota hai aur rest of the term mein ye 0 ho jayega. So that means your answer will be a b c d into 10 factorial which is the direct result. It may be considered to be a very simplest problem in engineering services examination. So the right option will be option a, A, B, C, D into 10 factorial. Students do study Simpson rule, trapezoidal rule and some basics of numerical methods for the upcoming GATE examination. Thank you.